नमस्कार दोस्तों, डिफेंशियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है श्रीलंका से, जहां पर स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और लगातार मौतें भी जा रही हैं। और इसी स्थिति में भारत के ऊपर खतरा बढ़ते जा रहा है और दोस्तों, इस खतरे की वेव अब पूरे एशिया में फैल रही है। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि चीन अपने फायदे के लिए क्या कुछ कर सकता है, और यहाँ तक कि अपने पड़ोसी देशों को उसने अपने कर्ज के जाल में ऐसा फांस रखा है कि ना चाहते हुए भी ये पड़ोसी देश इस कर्ज के जाल से नहीं निकल पा रहे हैं। और हो सकता है कि इस कर्ज को चुकाने के लिए कई सालों का समय इन देशों को लग जाए, और इन्हीं देशों में है श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका पर इस वक्त दो भाई राज कर रहे हैं। एक है महिंद्रा राजपक्षे, जो कि प्रधानमंत्री हैं, और दूसरे हैं उनके भाई, जो कि राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है श्रीलंका से, जहां के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए इसका ऑफिशियल कारण जानते हैं कि आखिरकार क्यों उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। क्योंकि दोस्तों, महिंद्रा राजपक्षे का कहना है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है, और साथ ही श्रीलंका के लोग मेरे इस्तीफे की मांग भी कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, महिंद्रा राजपक्षे ने यहाँ पर पूरी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि इसकी एक और बड़ी वजह सामने आई है, जिस वजह से महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि आर्थिक मंदी के कारण महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी के एक सांसद थे, जिन्हें कि श्रीलंका की आम जनता ने मार दिया है। साथ ही में अन्य छोटे मोटे नेता भी इसमें मारे गए हैं, जिसके डर से महिंद्रा राजपक्षे को लगा कि कहीं ऐसा ही हमला मेरे ऊपर भी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने तुरंत देरी ना करते हुए इस्तीफा दे डाला। जी हां दोस्तों, अब खतरा भारत के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि श्रीलंका से आने वाले लोग यानी शरणार्थियों की तादाद भारत में तेजी से बढ़ रही है, और भारत इन्हें रोकने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। और आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के इस पलायन को रोकने के लिए भारत दिन पर दिन मेडिकल इक्विपमेंट, खाने पीने की वस्तुएं श्रीलंका को उपलब्ध करवा रहा है, ताकि वहां पर मंदी का प्रभाव कम किया जा सके। वैसे दोस्तों, अब देखना ये होगा कि श्रीलंका में कौन देवदूत बनकर आता है और श्रीलंका का तारनहार करता है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है इन सभी बातों पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।